lost yet another. It doesn't matter. Down one more lover. It doesn't matter. I did what I do best. So broken to parts, feeling restless. Turn off the madness at all the lies I told. So forget it all. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग देखने जा रहे हैं, यहाँ पर एक छोटी सी एग्जीबिशन लगी हुई है, तो वहाँ बच्चों के लिए झूले और कुछ अपना ज़रूरत का सामान, तो वहाँ पर बहुत अच्छा है और बच्चों का इन्जॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। तो बस वहीं हम लोग जा रहे हैं और हम लोग वहाँ पर पहुँच गए हैं। और ये है एंट्री गेट, तो यहाँ पर बाइक खड़ी करने गए हैं और फिर टिकट लगेगा, 10-10 रुपये टिकट का है और आप अंदर एंट्री कर सकते हैं। और चाहे फिर कितनी देर तक रहें और चाहे कितना भी इंजॉय करें आप। और यहाँ पर मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मास्क को लगा के ही जाना है, अदरवाइज़ बिना मास्क की एंट्री नहीं है। वहाँ लिखा ऐसा था पर सारे हमने देखा कि कोई भी मास्क लगाए हुए नहीं था। और यहाँ पर देखिए कितने सुंदर सुंदर टेडी बियर, पैरदान, बहुत सारी चीज़ें थी ज़रूरत की। तो कुछ हमने भी शॉपिंग की है, ज़्यादा नहीं की है, और जो शॉपिंग की है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थोड़ा बहुत मैंने भी कुछ ख़रीद लिया था। और यहाँ पर बच्चों के टॉय वगैरह हैं। और देखो फिर हम दोबारा से फिर से जाएँ एक बार, ये ना ये हो गए हैं 15 दिन मुझे तब मैं गई थी, और फिर हम दोबारा जाएंगे तो फिर आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करेंगे। और यहाँ पर सारे ज़रूरत के सामान थे, ये देखिए आप लोग, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। और जो कुछ मैंने भी किया लिया हुआ है, पर मैंने ये जो ऐसी चीज़ें हार वगैरह हैं ये सारी चीज़ें नहीं ली हैं, ईयरिंग्स वगैरह भी नहीं ली हैं। वैसे मैं हर साल लेती थी, पर मेरे पास सब जो यहाँ पर डिज़ाइनें थी उस डिज़ाइन में सब कुछ था मेरे पास, तो मैंने नहीं लिया। मैंने कहा क्यों पैसे वेस्ट करने, तो जो जो लिया है वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ से मैंने नेल पेंटें ख़रीद ली हैं, क्योंकि एक मार्केट से लो ना तो एक नेल पेंट बहुत ज़्यादा महंगी आती है, और यहाँ पर बहुत सही रेट में मैं नेल पेंट, और छूट जाती है तो फिर रिमूव करके दूसरी फिर लगा लेते हैं। और तो यहाँ पर देखिए मेरी बेटी ने इतने सारे झूले झूले ना कि बस कुछ कहो मत। ये देखिए चढ़ी जा रही है, चढ़ी जा रही है, और यहाँ से आके स्लिप करेगी, तो बस बहुत बहुत इन्जॉयमेंट किया। मैंने कहा बच्चों का ही इन्जॉयमेंट सबसे ज़्यादा है। वो देखिए आ रही है, वो देखिए, और उसका मैंने वीडियो नहीं बना पाया, वो पता नहीं क्या कहने लगे थे ये, तब तक ये नीचे भी आ गई थी और मैं ना झूला झूलने चली गई थी। वो जो आसमानी वाला होता है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और वो मैं अकेली गई थी, मेरे हस्बैंड नहीं गए थे मेरे साथ, क्योंकि मिस्टी को देखना था। तब तक मिस्टी ने 4-5 झूले झूल लिए, मैंने वीडियो नहीं बना पाया। मैंने इनसे कहा आप वीडियो ही बना लेते। तो ये देखिए यहाँ पर लाइन लगाकर, मतलब कि बहुत टाइम लगा था, पता नहीं क्या कर रहा था झूले वाला, समझ में ही नहीं आ रहा था। और मैं अब बैठ गई हूँ झूले में, और देखिए मैंने ऊपर का पूरा ऊपर से बनाया हुआ है। ये देखिए कितने सारे झूले हैं, कितनी सारी भीड़ है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे इन लोगों ने अरेंजमेंट किया हुआ है। और खाने की व्यवस्था भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, जो जो खाया सब भी टेस्टी था। तो यहाँ पर देखिए और झूला चल रहा है, थोड़ी स्लो मोशन में चल रहा है, और मैंने फ्रेंड से भी बनाया है, तो मैं अकेली थी तो मैंने किसी को अपने साथ में बिठा लिया था वहाँ पर जो बैठ रहे थे, तो मैंने कहा आप लोग मेरे साथ बैठ जाओ, क्योंकि अकेले ना डर लगता है, मुझे भी डर लगता है। और मैं झूला झूल के आ गई थी। ये देखिए आप जंपिंग वाला झूला झूलने लगी है, बस इसके ही ये ही बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती है। और देखिए कैसे कूद रही है, और थोड़ा सा म्यूजिक लगाती हूँ, आप लोग देखिए इन्जॉय करिए, जाइएगा नहीं। Thank you.
पहले हम लोगों ने बेल पूड़ी खाई, वो भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी। और ये स्वीट कॉर्न तो हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद है, हम जहाँ भी हमें स्वीट कॉर्न मिलते हैं हम ज़रूर खाते हैं, मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। और अदरवाइज़ मुझे मेरी बेटी को और इनको सबको ही टेस्टी लगते हैं। और यहाँ पर इन्होंने मेरा थोड़ा सा सूट कर लिया था, तो बस मैं भी यहाँ पर खड़े होके खा रही हूँ। और ये देखिए कैमल आ गया है, ये देखिए बहुत ज़्यादा अच्छी व्यवस्था थी। और यहाँ पर हम लोगों ने पिज़्ज़ा बनवा के खाया था, पिज़्ज़ा भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको पूरी रेसिपी दिखाऊंगी पिज़्ज़ा की, इन ये भैया कैसे बना रहे हैं पिज़्ज़ा। तो काफ़ी ये मतलब मेरी बेटी ना स्वीट कॉर्न वाला ही पसंद करती है, वेजिटेबल वाला पसंद नहीं करती है, तो मैंने स्वीट कॉर्न वाला ही बनवाया था। मैंने इन्होंने और मिस्टी ने सब ने मिल के खाया और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। जो भी चीज़ खाई थी हम लोगों ने वो सारी टेस्टी थी और पेट ना भर गया था। और यहाँ पर देखिए बहुत इनका ना बहुत अच्छा ट्रिक है बनाने का और तुरंत ही बन जाता है देखिए। और यहाँ पर ये लगा रहे हैं मेयोनीज़ लगा रहे हैं, शायद मेयोनीज़ नहीं है, चीज़ है ये, मेयोनीज़ नहीं है। और यहाँ पर ये डालेंगे चटनी, थोड़ा सा इन्होंने पानी डाला क्योंकि गाढ़ी हो गई होगी, जो भी है इनका ही है, मुझे नहीं पता है इन लोगों का कैसे क्या। और यहाँ पर ये बस हिलाकर और डाल देंगे चटनी। और यहाँ पर ये देखिए अब इन्होंने ना रख दिया है और रखा नहीं है अभी, बस पहले ना जलाएंगे उसको, ये देखिए जल गया है और शायद रख दिया है मे भी, मैंने ना सूट नहीं कर पाया था रखते टाइम। तो यहाँ पर ये पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक और यहाँ पर हमारा पिज़्ज़ा बस रेडी होने वाला है। एक बार ये चेक करेंगे भैया और फिर निकालेंगे। यहाँ पर ये देखिए ये भी बहुत अच्छा लगता है, इसको क्या बोलते हैं मुझे याद ही नहीं आ रहा, तो ये बेटी ने लिया था चलते टाइम। और यहाँ पर देखिए ये चेक कर रहे हैं, ये देखिए और चेक करके रख देंगे। और दूसरा पिज़्ज़ा किसी ने बनवाया है उसको भी रख दिया है और देखिए ये चेक कर दिया है। और चेक करने के बाद अब बस बन गया है और अब ये निकाल देंगे, ये देखिए वो वाला मतलब चेक करेंगे और मेरा वाला निकाल देंगे, तो मेरा वाला बन गया है। ये देखिए आप लोग पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर बर्गर भी बर्गर की भी बस थी, हर चीज़ मिल रही थी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मिल ना रही थी और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी थी, ऐसा नहीं है कि टेस्टी नहीं थी। और यहाँ पर ये देखिए पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है और मैंने आप लोगों को पूरी रेसिपी इसकी दिखा दी है और बहुत आसानी से भैया ने पिज़्ज़ा रेडी कर दिया है। और बस हम लोगों ने खा लिया था, उसका मैंने सूट नहीं किया है और हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। और बस खा पी के अब थोड़ी सी फिर से हम लोगों ने थोड़ा सा घूमा, उधर का साइड रह गया था तो वो साइड हम लोगों ने घूमा और कुछ थोड़ी सी शॉपिंग की और बस फिर घर आ गए थे और काफ़ी ज़्यादा मज़े आए थे। ये देखिए खा रही हैं मैडम, तो इसका मुझे अभी भी नाम नहीं आ रहा है इसको क्या बोलते हैं। और यहाँ पर ये देखिए कप काफ़ी ज़्यादा सुंदर थे, यहाँ से मैंने 6 कप लिए हुए थे, ये बिंदी वाले लिए हुए थे, मुझे ये वाले ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो ये ना सारी डिज़ाइन ना मतलब कि हैवी वाले कप नहीं होते हैं वो वाली थी, तो मैंने बिंदी वाले लिए हुए हैं, बिंदी वाले मुझे ज़्यादा पसंद आए इसलिए मैंने बिंदी वाले ही ले लिए। और यहाँ पर फिर ये क्रॉकरी का सामान था, तो यहाँ पर क्रॉकरी का सामान भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और यहाँ पर देखिए फ्लावर पॉट, मतलब हर चीज़ थी जो आप लेना चाहते हो, बेडशीट वगैरह सब चीज़ें थी यहाँ पर, मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। और बच्चों का एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा है और अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी मिल जाती हैं, तो यहाँ पर मुझे बहुत, और छोटी सी जगह में है, ज़्यादा बड़ी जगह में नहीं है। और यहाँ देखिए क्रॉकरी का सामान काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे अभी कोई अच्छी ज़रूरत नहीं थी, तो लेकिन मैंने 2 कंटेनर यहाँ से लिए हुए हैं और 2 मैंने ट्रे टाइप की ली हैं जिसमें चटनी सर्व कर सकते हैं और प्याज सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाले कंटेनर हैं 2 मैंने लिए हुए हैं। और यहाँ पर देखिए ट्रे काफ़ी ज़्यादा अच्छा, ये वाले कंटेनर मैंने लिए हुए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, एयर टाइट हैं, तो आप कुछ भी सामान इनमें रख सकते हो। यहाँ पर देखिए फ्लावर पॉट काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। और मेरे वीडियो ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और मैं मिलती हूँ एक अच्छे से वीडियो के साथ ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉच।
और यहाँ पर ये देखिए इसने फुलाने वाला भी ले लिया है। चलिए फिर, ओके बाय।